राजस्थान में दो दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का पहला दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के भविष्य की नई कामयाबी लेकर आया है। समिट के दौरान जयपुर जिले के चौमू में मूल निवासी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने घोषणा की कि वो जयपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वो अपने वादे को समय रहते पूरा करेंगे, जिससे कि जयपुर शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम प्राप्त हो सकेगा। उद्घाटन सत्र के तत्काल बाद सीएम गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वादा किया कि उदयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम के लिए अडानी ग्रुप अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा। प्रदेश के 5 शहरों में गैस वितरण करने का काम लेने वाली टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने घोषणा की कि जयपुर में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अकेडमी के लिए वो अपने ग्रुप की ओर से पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इस घोषणा के बाद राजस्थान क्रिकेट अकेडमी के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने दोनों उद्योगपति के प्रति आभार प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के कारण अडानी ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यही नहीं, सीएम गहलोत ने पहले 2 किसको ट्वीट कर आम लोगों तक पहुंचा दिया और जब ऐसा लगा कि उनका विरोध में ही जाएगा तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस ग्रुप को भी हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।